गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ बज रहे हैं 6 AM स्विट्जरलैंड की मॉर्निंग ज़ुरिक में है। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगी हमारे होटल के विंडो व्यू से। ओह माय गॉड, बहुत मस्त है, वेरी नाइस। All set for snowfall. Snowfall मिलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन स्नो पे जा रहे हम लोग। और एक सेकंड बता दी, सब लोग रेडी है, सब लोग। तो अभी हम लोग ऊपर स्नो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक मिनट आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे सब लोग फोटोज खींचने के लिए उतरे हैं। और मैं आप अच्छा एक और चीज बतानी है, एक सेकंड। ये देखो कितना मस्त है। हेवन हेवन में लेके आए चलो चलते हैं बस। ये वही जगह है जहाँ पे ये देखिए DDLJ की शूटिंग हुई है। मैंने वो पोर्शन भी डाला है मूवी का। और ये वही स्पॉट है जो फेमस हुआ है स्विट्जरलैंड जिस मूवी की वजह से, वो है DDLJ, आप सबको पता है। और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई है। बस से उतर गए हैं और यहाँ पे स्टेशन पे सब लोग रुके हैं और ये ट्रेन के लिए। तो अभी हम लोग की ट्रेन यहाँ से आएगी।
और जाएगी ऊपर। आ गई ट्रेन। एकदम लास्ट में हलियो मन चार सीट वाली बन। क्या उतरवाना है? ज्यूरिख स्टेशन। हाँ ये उड़ा मेरी पर को हूँ वारो सीन नहीं करो हूँ भजे वारो आगर जाती है बना के स्लोप ते है ना ऊपर चढ़ी रही है ना नीचे तो पाव ऊपर चढ़ी। हिमाचल हाँ मम्मा फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं स्नो फॉल देखी। वीडियो चालू कर। वीडियो चालू कर। जो स्नो पहाड़ पास हो तो जो जल्दी पाड़ो मोर वीडियो। यस मम्मा बोलो हाँ बोलो जो फाइनली आ गए तो यहाँ पे यूरोप के टॉप में हम लोग पहुँच गए हैं और -10 डिग्री में थे तो हम लोग वीडियो में जो बोल रहे थे वो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी विंड थी इतना वहाँ पे शोर भी था वो विंड की वजह से कि हम लोग जो बोल रहे थे वो आपको सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर करूँ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है विद स्नोफॉल वाला वो बहुत अमेजिंग है और बहुत ही मज़ा आया। कभी टच नहीं करो। कम कम
How was the experience? Touch me. मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे ना, ग्लव्स जरूर पहन के आना नेक्स्ट टाइम. वन टाइम एंड लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. ऑसम एक्सपीरियंस. चश्मा देखो ओपेक हो गया. अच्छा ऋषि डैडी कपूर डैडी हेलो ना चलो गरम जल्दी. It's very cold. Cool, mommy. We are going to Palace. Oh, mommy. यहाँ पे ये तो आइस है, ये लैंड में आइस कर है. Oh my god. Wow, piano. अलग यार. वो मडगास्कर आइलैंड जो है ना, ये मडगास्कर आइलैंड. क्या बाबा बाबा बर्फानी ऊपर जाइ आया. ये रोनाल्डो का साइन किया हुआ है. होलोग्राम है ये होलोग्राम. तो ये यंगफ्रू में ही यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे आप ऐसे ग्लव्स और सब ले सकते हैं, लेकिन ये येस ऑफकोर्स यूरोस में काफ़ी एक्सपेंसिव. यहाँ पे लिंट में हम लोग यहाँ आए हैं चॉकलेट लेने, तो एक ये डार्क चॉकलेट लग रहा है. ये एक स्विस प्रीमियम चॉकलेट, पैकेजिंग इज अमेजिंग. प्राइजेस नहीं दिखाऊंगी मैं. दूसरा ये लिया
ये लिक्विड फॉर्म में है, इन जब खाएंगे ना तो आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। आज रात को ही खाएंगे ना डैडी। और ये चॉकलेट केक है, ये तो मैंने मुझे पसंद लग रहा है, देखते हैं। ये तो सेम लग रहा है क्या? तो ये लिंट का स्टोर है और यहाँ पे बहुत भीड़ भी है, देखिए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पे और वो लोग इंटीरियर बढ़ा रहे हैं। ऋषि ले लो, हैप्पी ऋषि चॉकलेट चॉकलेट करा था। थैंक यू फॉर गिविंग अस। वेलकम, आई गिव यू सम चॉकलेट्स। थैंक यू। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वी लव फ्री द आइटम्स। मुझे तो बहुत मजा आया, एक अलग एक्सपीरियंस था, कभी भी स्नो नहीं देखा था। मजा आया, सी यू। आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे से आप लोग पीछे रुक गए। ये तो फिर भी अंदर गए थे, और अगर उन्होंने वीडियो निकाला रहेगा तो मैं इसमें आगे ऐड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पे ग्लव्स, स्वेटर और सब कुछ कपूर बता। अच्छा, कपूर सब मस्ट, कपूर जरूर लेना है। और एक सजेशन, अगर आपको ये वार्मर मिलता है अमेजन में, मिलता है ना ये अमेजन में ये वार्मर मिलता है, इसको शेक करेंगे तो ये गर्म हो जाता है। इसको थोड़ा सा भी ऐसे वार्मनेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्या चालू है? हम लोग ने लिंट की चॉकलेट ली है और रात को खाएंगे हाँ। सारी में तो सब गड़बड़ हो गई क्योंकि बहुत विंड था। और वो मेरा स्नो ऐसे मुंह पे लग रही थी ना, इट वॉज लाइक ऐसे ना छोटे छोटे पत्थर कैसे लगते हैं, बहुत हार्ड स्नो था, हार्ड स्नो। लेकिन मजा आया, तूफान जैसा। हाँ विंड था, विंड देखिए उस तरफ आँख नहीं खोल सक रहे थे जहाँ से विंड आ रहा था। हाँ, आँखें बंद उस तरफ वो खड़े नहीं रह सक रहे थे। तो आप देखेंगे वीडियो में भी हम लोग खड़े वो विंड के ऑपोजिट साइड में हम लोग फेस करके खड़े, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस था, मजा आया। हमें फ्री में मिली है, अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट चेकिंग करने के लिए डीसी आए थे, तो हम टिकट दिखाएंगे ना तो वो हमको चॉकलेट देते हैं, स्विस चॉकलेट। यहाँ पे हम लोग ने स्लोमो में आपको बताया है जो स्नोफॉल हो रहा था, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे स्लोमो में शेयर कर रही हूँ। क्या अमेजिंग लग रहा है, राइट? सनी भाई आपने वेला गया था इसके लिए। हाँ, अच्छी बात। वीडियो शुरू कर दो सनी।
मुझे तो लगा तो ऊपर को बंदर से ही बना दिया था बारह फॉलोइंग है कितनों को रही है। स्पेशली बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि उन लोग के लिए भी ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ऑफकोर्स फ्यूचर में भी वो लोग ये वाले एक्सप्लोरिंग करेंगे लेकिन हमारे साथ उन्होंने बहुत एंजॉय किया। पहले हम लोग ऊपर जा रहे थे ना तभी एकदम थोड़ा सा स्नोफॉल था, अभी देखो कितना स्नोफॉल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, स्नोफॉल लग रहा है, स्नोफॉल मालूम। ये है स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन, यहाँ पे हम लोग उतरेंगे और हमको मिलेगा स्नोफॉल, फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे नीचे। तो ही पेरिगन ही आओ पेरिगन आते रेशो क्या स्नो है स्नो में रुको हाथ पे आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना स्नोफॉल स्नोफॉल बोल रहे हैं पूरी फैमिली, स्पेशली मैं और बच्चे, और स्पेशली मैं क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने ये वीडियो जब अभी बनाया पूरा, मतलब अभी जब बना रही थी तो मैंने पूरा नोटिस किया कि इस बार इस वीडियो में हम लोग ने स्पेशली मैंने इतनी बार स्नोफॉल किया। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं हम मुंबईकर्स हैं, यहाँ पर इतनी गर्मी होती है और मे मंथ में हम लोग गए थे तो ऑलरेडी हम लोग इतनी गर्मी में गए थे और लाइफ में फर्स्ट टाइम देखो स्नो देखा है, कश्मीर वश्मीर गए हैं तो हम लोग ने स्नो देखा है, मनाली में देखा है, लेकिन कभी भी लाइफ में स्नो फॉल नहीं देखा है। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस हम लोगों को करने मिला, तो हम लोग इतने एक्साइटमेंट थे। और ये भी था कि जब हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो हमको ये बोला गया था कि पता नहीं स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं, वेदर फोरकास्ट ऐसे बोल रहा है कि शायद आपको वहाँ पे यांगफ्रू में स्नोफॉल मिल सकता है। और जब हम लोग वहाँ पे गए तभी स्नो नहीं था, मतलब रेन भी नहीं था, स्नोफॉल या कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे और स्नोफॉल हो रहा था तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम सब लोग, नॉट ओनली मी, पूरा टूर, पूरा मतलब हमारा जो भी और फैमिलीज भी थे, जैसे मैंने आपको बोला है कि पूरा जो गुजरात की भी फैमिलीज थे, हम सब लोग पूरा टूर हमारा एक्साइटमेंट से मतलब खुश हो गया। तो यही रीज़न था, सॉरी, और होप आप सबको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। बाय, थैंक यू।